मैं हूं अनुजा और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो आज है 1 जून। जी हाँ, आज है 1 जून, जिसका हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेट करता है हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 के फाइनल डिसीजन पर। तो आज हमारी सरकार लेने वाली थी फाइनल डिसीजन बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, जो कि हाँ 2021 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो उन्होंने आज फाइनल डिसीजन अपना निकाल ही दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट अपनी बात की बहुत पक्की है। जी हाँ, उसने 1 जून खत्म होने से पहले ही अपना डिसीजन सुना दिया और उन्होंने यह डिसीजन लिया कि हमारे 12th के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल कर दिए जा रहे हैं इस साल के। जी हाँ, हमारे 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। इससे हमारे देश के स्टूडेंट्स दो भागों में बट गए हैं। पहला भाग, जिसमें स्टूडेंट्स यानी हमारे देश के छात्र छात्राओं ने बहुत आस लगा के बैठी थी 12th का बोर्ड देने की 2021 में, एंड जो दूसरा भाग है हमारे देश के बच्चों का, जो कि जिसने ट्रेंडिंग करवाया था कैंसिल बोर्ड एग्जाम 2021। जी हाँ, वो लोग को तो आज बहुत खुशी हुई होगी, क्योंकि आज सरकार ने उनकी बात सुन ली, इसीलिए आज उसने बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिया है लोगों की बात, जनता की बात को मानकर। जी हाँ, तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ कुछ समय पहले। जी हाँ, कुछ समय पहले ही, ये बात है 2004 की, जब हमारे एनसीईआरटी सीबीएसई ऑफिसर श्री कृष्णा जी ने हमारे भारत देश के एजुकेशन सिस्टम को बहुत क्रिटिसाइज किया था। हाल ही की बात है, महाराष्ट्र ने 10th क्लास की स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करा दी गई थी। जी हाँ, महाराष्ट्र ने हाल ही में अपनी 10वीं क्लास की स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करा दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था महाराष्ट्र की सरकार को कि अब तो एजुकेशन भी भगवान के भरोसे है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा ही सकते होंगे कि वो थी हमारी 10वीं क्लास की परीक्षा और ये है हमारी 12वीं क्लास की परीक्षा, जहां से हमारा फ्यूचर का एक छोटा सा पीढ़ी स्टार्ट होता है। जी हाँ, एक छोटा सा कर शुरू होता है हमारे एजुकेशन को लेके, जहां पे बच्चे ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है अपने जीवन में और क्या नहीं, हमें कौन से एग्जाम्स देने हैं, क्या चीज क्लियर करना है, हमारे क्या गोल्स हैं। जी हाँ, बच्चे यहीं से अपने फ्यूचर के लिए सोचते हैं। तो अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि ये डिसीजन गलत है कि सही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सारे बच्चों को हायर एजुकेशन प्राप्त करने का मन तो होता ही है, पर हायर एजुकेशन जो बच्चे प्राप्त करते हैं, जिनको विदेश जाके पढ़ना होता है स्पेशली, वो जरा ये सोचें कि अगर आप बोर्ड एग्जाम नहीं दिए हैं तो वो कैसे आपको एडमिशन दे देंगे। जी हाँ, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि विदेशी देशों के एडमिशन प्रोसेस यानी एडमिशन एंट्रेंस प्रोसेस और एग्जाम प्रोसेस बहुत ही डिफरेंट है हमारे देश से। जी हाँ, हर देश के अपने अपने प्रोसेस होते हैं, अपने अपने सेगमेंट्स होते हैं, जिसके बेसिस पे वो एडमिशन्स लेते हैं बाहर के बच्चों के। तो आप जरा ये सोचिए कि जब हमारे देश के बच्चों ने अपना बोर्ड एग्जाम ही नहीं दिया है तो वो किस बेसिस पे देंगे एडमिशन आपको। भाई, वो अपने देश के रूल्स एंड रेगुलेशन को हमारे देश के खातिर क्यों चेंज करेंगे। अब आप ही बताइए, आप ही थोड़ा जरा सोचिए कि हमारा देश ही अगर किसी और देश के बच्चों को एडमिशन देना होता है यहाँ पे, तो क्या वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन उनके लिए चेंज कर देती है क्या? जी नहीं, मार्क्स एजुकेशन सिस्टम के क्राइटेरिया तो वही होते हैं। तो बस मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि बोर्ड एग्जाम्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब वो हमारे देश के बच्चों के लिए ही क्यों चेंज करेगा, तो वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं चेंज करेगा तो, और वो शायद हमारे देश के बच्चों को एडमिशन भी ना दे। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है, ये बात सच है, कड़वी भी है। मैं जानती हूँ कि मैं आपको बहुत खटक रही होंगी इस बात पे, पर ये बात 100% सच है और सच हमेशा कड़वा ही होता है और इसको सुनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि बोर्ड एग्जाम्स बहुत जरूरी होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं गांव के बच्चों की। जी हाँ, जो विलेज से बिलोंग करते हैं, उनके पास ना इंटरनेट था ना मोबाइल था और वो तो ऑनलाइन एग्जाम्स में बैठ भी नहीं पाए, वो तो ऑनलाइन एग्जाम्स का हिस्सा ही नहीं बन पाए। अब आपके दिमाग में तो ये चल रहा होगा कि अरे हाँ चलो छोड़ो, अच्छा हुआ 12th के बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए, फ्री में पास हो जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है, फ्री में क्यों पास होंगे। अगर बोर्ड ने ये मांग लिया आपके 11th एंड 12th के
प्री बोर्ड्स एंड जितने इंटरनल असेसमेंट हुए उसके अगर नंबर मांग लिए उन्होंने तो कितने ही बच्चे पास हो पाएंगे, आप ये बताइए कितने बच्चों के कम परसेंटेज बनेंगे एंड कितने बच्चों के ज्यादा परसेंटेज बनेंगे। अभी तो आप बहुत खुश हो रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा हुआ कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया, बट हाँ ये भी तो सोचिए कि आपको नंबर किस बेसिस पे मिलेगा, ये बात बहुत सोचने की जरूरत है। अब हम लोग अगर बात करें कि विलेज स्टूडेंट्स की, विलेज स्टूडेंट्स में तो ना उनको फोन है, उनके पास जिनके पास फोन नहीं है इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है, तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं उनके साथ, पर वो कैसे करेंगे? जी हाँ, वो कैसे करेंगे अपना बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयारी, उन्होंने तो की भी नहीं, और अगर की भी तो उन्होंने अपनी मेहनत पे की। जी हाँ, मेहनत आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, सभी करते हैं, पर आप जरा उनका सोचिए जिन पर ना नेट अवेलेबल था ना फोन अवेलेबल था, वो ऑनलाइन एग्जाम्स का तो हिस्सा ही नहीं बन पाए, तो उनको नंबर कैसे दिए जाएंगे? ये भी सोचने वाली बात है, इस पे जरूर सोचिएगा, और बहुत ही जरूरी बात है ये। सिर्फ हमें अपना नहीं सोचना चाहिए, हमारे साथ साथ कई बच्चों का भी सोचना चाहिए, कई लोगों का भी सोचना चाहिए। सिर्फ हम लोग अपना पास होके भी तो कोई नैया पार नहीं कर देंगे ना, और बच्चों को भी तो पास होना जरूरी है। अब सिर्फ आप पूरे देश में पास होंगे तो ये भी बहुत अजीब सी बात हो जाएगी, तो थोड़ा अपने अलावा दूसरों का भी सोचिए। आपने तो ट्रेंड चला दिया कि कैंसिल बोर्ड एग्जाम्स 2021, अब आप ये तो सोचिए कैंसिल तो आप लोग करवा रहे हो, नंबर तो आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग तो पास हो जाएंगे, पर थोड़ा गांव के बच्चों का भी सोचिए, वो कैसे पास होंगे, वो तो ऑनलाइन एग्जाम्स का हिस्सा ही नहीं बन पाए। तो थोड़ा इस बात पे गौर करिएगा, और हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके अलावा भी इस पे बहुत सारी डिस्कशंस लेके आएंगे, तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे लिटिल प्रोफेसर थिंग्स पे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके साथ और डिस्कशन करेंगे इस बात पे कैंसिल बोर्ड एग्जाम 2021 में, जो कि कैंसिल हो चुका है, बट अगर सिचुएशन सुधर गई तो बोर्ड अपने एग्जाम्स लेगा और जरूर लेगा, तो प्लीज अपनी पढ़ाई मत रोकिएगा, ऐसे ही करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।